तो न्यू मार्क्सिज्म क्या है? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की अवधारणा को किस स्तर पर रिजेक्ट करता है लेकिन कुछ स्तर पर स्वीकार करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में समानता ये है, इन दोनों के बीच में समानता क्या है? स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म और इंस्ट्रूमेंट मार्क्सिज्म का मूल इनका कॉमन क्या है? अगर वो आपको पता है कि मार्क्सिस्ट व्यक्ति होगा वो हमेशा स्टेट की, तो उसको तो स्टेट को शोषणकारी तंत्र मानेगा, यंत्र मानेगा। दोनों ही क्या करते हैं, राज्य को समरूपता इनमें है कि दोनों ही राज्य को शोषणकारी यंत्र मानते हैं, शोषणकारी एक्सप्लोइटेड इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, दोनों ही मानते हैं कि राज्य शोषणकारी। कौन सा राज्य? वर्तमान का राज्य, ठीक है, जो इसे हम कैपिटल स्टेट बोल रहे हैं। अब इसमें स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के अंतर्गत हमने अल्थ्यूजर को पढ़ा, जैसे स्ट्रक्चरल के हमने अल्थ्यूजर साहब को हमने विस्तार से पढ़ा। अब हम निकोल्स पुलंजा को पढ़ते हैं, क्योंकि अल्थ्यूजर को हमने विस्तार से भी पढ़ा था, अब हम निकोल्स पुलंजा को पढ़ते हैं। निकोल्स पुलंजा जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था पॉलिटिकल पावर इन सोशल क्लासेस, ये इनकी किताब का नाम है। इनकी किताब का नाम क्या है? निकोल्स पुलंजा की जो किताब है ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के अंतर्गत आते हैं, ये दूसरे थिंकर हैं। इनकी जो किताब का नाम है पॉलिटिकल पावर इन सोशल क्लासेस। अब इन्होंने, निकोल्स पुलंजा ने क्या कहा है, अल्थ्यूजर की तरह ही मानते थे, इन्होंने कहा कि कैपिटल, ये क्रांति क्यों नहीं हो पा रही है, ये पूंजीपति स्टेट को जो सर्वहारा वर्ग शोषित वर्ग है उसके अंदर चेतना इसलिए नहीं आ पा रही है, क्रांति इसलिए नहीं आ पा रही है, वो इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म ने स्टेट की अवधारणा को, स्टेट को, कैपिटल स्टेट को ठीक से नहीं समझ पाए, उसकी ठीक से व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए जो है क्रांति क्या है, क्रांति नहीं हो पा रही है। और इस, ये निकोल्स पुलंजा जो है अल्थ्यूजर की तरह ही एक तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। वो कहते हैं कि आपने स्टेट को समझा लेकिन समाज और स्टेट कैपिटल सोसाइटी इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वो इस तरीके से संरचनाओं में एग्जिस्ट करता है, उसने अर्थ से किताब से आ रहा है कि पॉलिटिकल पावर होती है कि सोशल क्लासेस में एग्जिस्ट करती है। और इन्होंने कहा कि वर्तमान पूंजीवाद जो है, वर्तमान पूंजीवादी समाज है वो कई संरचनाओं, कई स्तरों एवं संरचनाओं में विभाजित है। सबका उद्देश्य क्या है? पूंजीपतियों की हितों की रक्षा करना, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं कि आप जो स्टेट, वर्तमान कैपिटल सोसाइटी या कैपिटल स्टेट को देख रहे हैं वो कई स्तरों में विभाजित है। तो कैपिटल आज का जो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसकी कई स्ट्रक्चर है, वो कई संरचनाओं में स्थापित है, जैसे देखो कई स्तरों में है, अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये लीगल है, ये पॉलिटी है, ठीक है, ये स्टेट है, ये कोर्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, ये धर्म है, ये संस्कृति है, और ये नैतिकता है। ये सब का जो, ये सब स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, ये सब कोई एक स्ट्रक्चर इकोनॉमी का है। ये क्या है? इकोनॉमी का है, ये फाइनेंस का है जी। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, और कई स्तर, कई स्ट्रक्चर हैं। कैपिटल सोसाइटी में कई स्तर होते हैं, कई स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के नाम से भी जानते हैं। शब्दावला को न्यू मार्क्सिस्ट की नई ब्रांच है, इसे हम स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं। निकोल्स पुलंजा अपनी किताब पॉलिटिकल पावर इन सोशल क्लासेस में बताते हैं कि सोसाइटी को आप देखना चाहते हैं एक सरल रेखा में होता है, ऐसा नहीं होता। सोसाइटी में कई स्तर, कई संरचना एग्जिस्ट करती हैं, और इन 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 जो सभी संरचनाओं का, ये सभी संरचनाओं का एक ही उद्देश्य है कि कैपिटल सोसाइटी के हितों की रक्षा करना, ठीक है। कैपिटल स्टेट को बना के रखना, कैपिटलिज्म को मजबूत बना के रखना, उसको उखड़ने नहीं देना, और लोगों में कॉन्शियसनेस पैदा ना करना। अब कैसे, देखो लीगल, में
वो कानून की बड़े स्तर पर आलोचना करते हैं, जैसे कानून लॉ के और कोर्ट की कड़ी आलोचना करते हैं। जैसे मार्क्स ने माना था कि कानून जो होता है लिबरल डेमोक्रेसी में, जो कैपिटलिज्म में जो कानून होता है, हमेशा सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग के खिलाफ उसका प्रयोग किया जाता है। वो कहीं ना कहीं पूंजीपति लोग जो है कानून के माध्यम से या लीगल कानून के माध्यम से, उन कानून के माध्यम से उनके असंतोष को दबाया जाता है, जेल बनी है, कोर्ट बने हैं, उनको डाला जाता है, आंदोलन के माध्यम से आंदोलन को दबाया जाता है, और लीगल उनके और कानून का उपयोग हमेशा गरीब लोगों के खिलाफ किया जाता है। अमीर लोग तो पैसा देकर बच जाते हैं, खरीद अधिकारियों को खरीद लेते हैं, पॉलिटिशियनों को खरीद लेते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। आज देखिए, आज कुछ बड़े लोगों ने या फिर पूंजीपति लोगों ने गरीब लोगों को जो है, आज हम भारतीय समाज में या फिर भारतीय समाज कई समाज में आप देखिए, जब कोई गरीब व्यक्ति पर अत्याचार होता है, शोषण होता है, वो जेल में जाता है, पुलिस में जाता है, तो पुलिस वाले लोग जो है, फ़ोन आ जाता है मंत्री जी का, विधायक जी का, अधिकारियों का, तो उनके जब, क्योंकि फ़ोन किसका आता है, जिसकी अप्रोच होती है, जहाँ तक उसके पास पावर होती है, लिंक होती है, वो लगवा देता है गरीब व्यक्ति की, ना FIR होती है, ना FIR होती है, और ना उस पर अमीर व्यक्ति को पकड़ा जाता है उस व्यक्ति के, क्योंकि सब इसी प्रकार ऐसे ही काम करता है। वो कहता है कि इस कानून का दुरुपयोग, मिसयूज हमेशा जो है उनको, गरीब लोगों को, असंतुष्ट शोषित वर्ग को, उनके असंतुष्ट को दबाने के लिए किया जाता है। एक हथियार के रूप में पूंजीपति लोग उस हथियार के रूप में इसको यूज करते हैं, और वो जेलों में बंद नहीं रहते हैं, जेलों में गरीब लोग, शोषित लोग, एक तरीके से सर्वहारा वर्ग ही जो है जेलों में रहता है। इसके माध्यम से वो समझाया जाता है कि कानून को दुरुपयोग, मिसयूज किया जाता है, और पूंजीपतियों का किस प्रकार से इंटरेस्ट फुलफिल हो, वो लोग आराम से पावर का मिसयूज करके इस तरीके से अपने हितों की रक्षा करते हैं, कैपिटल सोसाइटी में रहते हैं, और जेलों में जो है एक सर्वहारा वर्ग को बंद करके रखा जाता है। और दूसरे में ये कहते हैं कि पॉलिटी या स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट, एक स्ट्रक्चर पॉलिटी या स्टेट का होता है, पॉलिटिकल जैसे दूसरा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। निकोल्स प्लंजा ये कहना चाहते हैं, जो आप वर्तमान की पॉलिटिकल पार्टीज को देख रहे हैं, चाहे जितनी भी आप पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, किसी भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे आप यूके में चले जाइए कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, अमेरिका में आप चले जाइए तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी देखने को मिल जाएगी। आप इंडिया में आइए तो इंडिया में आपको जो है कई क्षेत्रीय दल और नेशनल दल, नेशनल पार्टीज के अलावा आपको रीजनल पार्टी देखने को मिल जाएंगी। आपको जो है कांग्रेस मिल जाएगी, BJP मिल जाएगी, सपा मिल जाएगी, बसपा मिल जाएगी, इन सब का हितों की, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप सोचते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी से आप संतुष्ट होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन ओवरव्यू इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा जाए, इनकी एक ही कॉमन अवधारणा रहती है, इनकी कॉमन सोच रहती है कि कैसे सत्ता में आकर और पूंजीपतियों के और अपने हित के बारे में सोचना है। ये सार्वजनिक हित की बात नहीं करते हैं, ये कैपिटलिज्म की तरह ही या पूंजीवादी तंत्र या पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। एक निकोल्स प्लंजा कहते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टियों से आशा करते हैं ये हमारे लिए काम करेंगी, ये आपको ये अपना हिजन एंडा दिखाना नहीं चाहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी